नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। AIMIM पार्टी का जनपद बलिया में हुआ विस्तार। बलिया आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का संगठन का विस्तार किए जाने व संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए जनपद के हर विधानसभा में पदाधिकारियों का मनोनयन पार्टी के कैंप कार्यालय मोहम्मद शमीम खान के आवास पर शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही सादगी से आयोजित। मैं मोहम्मद शमीम खान, उत्तर प्रदेश कार्य समिति का पूर्व सदस्य और बलिया सदर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाए जाने के लिए पहल की जा रही है। आज हमारे जनपद में माननीय नसीम खान साहब, जो जिला के संगठन के प्रभारी हैं, आज उन्होंने जिले में जितने भी विधानसभाएं हैं उसमें संगठन के प्रभारियों का जो है आज जिम्मेदारी उन्होंने दिया है और पार्टी का आदेश है और हम लोग उस उद्देश्य से आज इकट्ठे हुए हैं कि 5000 कम से कम एक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जो है जोड़े जाएंगे और पूरे जनपद में हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि 35000 सदस्य हम लोग नवंबर के आखिर तक MIM पार्टी से जोड़े जाएंगे ताकि पार्टी को जमीन स्तर पे मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनावों में हम दमदारी से पार्टी का चुनाव लड़ा सकें। किया गया जिसमें सदर विधानसभा के प्रभारी मोहम्मद वकील, बांसटी विधानसभा के प्रभारी इश्तियाक अहमद, बेलथा रोड विधानसभा के प्रभारी जाफर खान, सिकंदरपुर विधानसभा के प्रभारी गुलाम अहमद रजा, रसड़ा विधानसभा के प्रभारी अबैदुल्ला अंसारी, फेफना विधानसभा के प्रभारी वकील अहमद अंसारी, बैरिया विधानसभा के प्रभारी सैयद हुसैन, बलिया नगर के प्रभारी मोहम्मद तारिक व हनुमानगंज ब्लॉक के प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान को मनोनीत किया गया। सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद वसीम खान ने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है, अगर संगठन को मजबूत बनाएं हम सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयां नहीं जीत सकते हैं। वसीम खान, जिला संगठन प्रभारी, बलिया। आज पार्टी में किन किन लोगों को नई जिम्मेदारी आपने सौंपी है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आज बलिया जनपद में विधानसभा संगठन प्रभारी का आज आगाज हुआ है, जिसमें विधानसभा 361 मोहम्मद वकील, विधानसभा 360 वकील अहमद अंसारी, विधानसभा सिकंदरपुर 359 गुलाम अहमद रजा, विधानसभा बैरिया सैयद हुसैन, विधानसभा रसड़ा 358 अब्दुल्ला अंसारी, विधानसभा बेलथरा रोड 357 मोहम्मद जाफर खान, विधानसभा बांसडी 362 मोहम्मद इश्तियाक अहमद, व नगर पालिका से मोहम्मद तारिक अहमद साहब को भी आज जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति फिलहाल में संगठन को मजबूत और एक मजबूत संगठन देकर अग्रिम चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी के साथ प्रयास करना है। मैंने आने वाले लोकसभा चुनाव में आप दमदारी पेश करना चाहते हैं? फिलहाल में हम लोग अभी पूरा ध्यान नगरपालिका चुनाव पे है और उसके बाद उससे भी बड़ा मजबूत संगठन बनेगा, तैयारी पूरी जोर शोर से चलती रहेगी और लोकसभा में भी हम लोग दमदारी से प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि MP में 5 सीटों पर नगर पंचायत की, जैसे अभी आपने कहा, तो जो पंचायत चुनाव है 5 सीटों पर AIMIM ने कब्जा जमाया, तो उस तरह बलिया पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों की मतलब किस तरह के क्या रणनीति है? कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में भी मजबूत संगठन बनाकर हर नगर पंचायत पर चुनाव लड़े। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, पूर्व जिला प्रमुख सचिव अब्दुल मन्नान, पूर्व जिला सचिव मोहम्मद मुराद, जिला संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष बेलथरा रईस अहमद आदि लोग मौजूद रहे। भारत मीडिया के लिए हसन खान की रिपोर्ट। प्रताप, पूर्वांचल सचिव MIM। आज कैसा लोग मतलब? आज पार्टी के निर्देशन पर
संगठन के विस्तार के लिए विधानसभा और प्रभारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सातों विधानसभा में सात विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए। क्या संदेश देंगे? संदेश ये कि आज हर समाज के लोग मजलिस से जुड़ना चाहते हैं और मजलिस हर लोगों को अपने साथ लेकर के चलने के लिए संघर्षरत है और जनता की उम्मीदों के साथ खरी उतरेगी, इसलिए यह पार्टी हर घर जाकर के हर लोगों के संघर्ष में हिस्सेदारी लेगी, इसलिए कि जनता की उम्मीदें MIM के साथ जुड़ी हुई हैं, MIM से उम्मीदें रखी हुई हैं कि मजलिस हमारी लड़ाई लड़ेगी और हम इसके साथ लगे रहें। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।